दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को इस बार का विश्व चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुआ है विश्व कप का इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार। अफगानिस्तान की फिरकी के आगे बर्बाद हुआ डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का खेमा, तो जश्न में डूब गए नवीन उल हक। फिर अपने खतरनाक प्रदर्शन पर विराट कोहली को याद करते हुए इस खिलाड़ी ने जो बयान जारी किया है, उनकी बातें सुनकर तो आपके दिल में भी उनके लिए इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। तो आखिर कैसे अफगानिस्तान ने चटाई इंग्लैंड को धूल? ऐसा क्या कुछ कहा नवीन उल हक ने करोड़ों भारतीयों के दिलों को छू लेने वाला, उनका बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान, लंका, इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी एशियाई टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएंगे? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2023 के सबसे खास क्रिकेट विश्व कप में अब तक तो बिल्कुल सिंपल और सीधे सीधे मुकाबले हुए थे, जहां जिस टीम का पलड़ा भारी था उसने एक तरफा तरीके से विरोधी टीम को तहस किया और वापसी का एक मौका तक नहीं दिया। अब तक हमें मुकाबले में ज्यादा कुछ रोमांच तो देखने को नहीं मिला, लेकिन जब दिल्ली के मैदान अफगानिस्तान और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीमें सामने थी, उसमें हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी कल्पना तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। इंग्लैंड ने टॉस तो जीता, लेकिन फिर उन्होंने अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी देकर सबसे बड़ी भूल कर दी, क्योंकि गेंदबाजों ने उन्हें सफलता तो दिलाई, लेकिन रहमान उल्ला गुरबाज ने वनडे को T20 बनाते हुए 57 गेंद पर 8 चौके और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत तूफानी 80 रन ठोककर इंग्लैंड के पसीने छुड़ाए। तो फिर डेब्यूटेंट इकराम अली खिल ने 66 गेंद पर तूफानी 58 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 284 रनों के एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि इंग्लैंड की घातक और खतरनाक बल्लेबाजी के सामने ये लक्ष्य कहां मुश्किल था, लेकिन इसी कारण तो अफगानिस्तान को जॉइंट किलर माना जाता है। इस मुकाबले में उन्होंने अपनी भी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड को दिन में तारे दिखाकर रख दिए। फजल फारूकी ने जॉनी बेयरस्टो को दूसरे ओवर में ही पवेलियन की राह दिखाई, तो जो रूट से लेकर जॉस बटलर और नियम लिविंगस्टन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी अफगानी फिरकी नवीन रशीद और मुजीब के आगे कब घुटने टेक गए पता ही नहीं चला। आलम तो यह था कि केवल 117 रनों पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुकी थी, बस फिर क्या था, यहां से वापसी कर पाना तो इंग्लैंड के बस की बात नहीं हुई। हालांकि हैरी ब्रुक ने अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को संभालने का प्रयास भरपूर किया, लेकिन इतना ही काफी नहीं था और अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन को धूल चटाकर सभी को हैरत में डाल दिया। यहां तक कि अभी भी अंग्रेजों को अपनी इस दर्दनाक हार पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं अफगानिस्तान का खेमा तो खुशी से झूम उठा। लेकिन इसी बीच नवीन उल हक का रिएक्शन तो सबसे अधिक चर्चा में छाया हुआ है, जिन्होंने इस जीत के जश्न में विराट कोहली को याद करते हुए जो महानता दिखाई है उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही जीत लिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि यह विश्व कप में हमारी पहली जीत है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हमने इंग्लैंड को हराया है और इस जीत में सबसे खास बात तो यह है कि दिल्ली के क्राउड ने हमारा खूब समर्थन किया है, हमारे लिए नारे लगाए और हमें इनकरेज किया था कि हम इस जीत को अपने नाम करें। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मुझे यह भी पता है कि सब विराट भाई की वजह से संभव हो पाया। पिछले मैच में उन्होंने क्राउड से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे लिए भी तालियां बजाई जाएं, उसका असर हुआ, आज हमें देखने को मिला है। यदि विराट भाई ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद लोग मुझे या मेरी टीम का समर्थन नहीं करते। इसके लिए मैं उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। वो महान खिलाड़ी और ग्रेट इंसान है, उनसे काफी कुछ सीखने की उम्मीद है। हमारे रिश्ते भविष्य में और बेहतर होंगे और मैं अपनी टीम को इस विश्व कप में और भी ऐसी बड़ी बड़ी जीत दिला पाऊंगा। तो दोस्तों, सच में नवीन उल हक ने अपने बयान से तो सच में बहुत से भारतीयों को भावुक कर दिया है, जिनका रिएक्शन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कौन सी होगी वो चार टीमें जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएंगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।